बेटा ये चंद्रहार क्यों नहीं पहना? नमस्कार अग्रवाल साहब। भाई आप तो हर वर्ष माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी योगदान ही नहीं दिया, तो इसलिए हमने सोचा कि अब की बार हम भी योगदान करें। इसलिए हमने सोचा कि अब की बार ढोल नगाड़ों के साथ माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाए। आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जी अब आइए, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि लक्ष्मी जी आपकी बहू जो बनी है। गेंदा यहां आओ बेटा, आओ। वाह, आप तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप लेकर आई, खासकर आपके लिए। कैलाश भाई, हरीश भाई, जरा उधर चलकर बात करते हैं, आइए। उधर? उधर किधर भाई? जो बात करनी है यहीं कीजिए ना, सबके सामने कीजिए। अब क्या छुपाना है अग्रवाल साहब, पर तुम्हारे दोनों बेटे निकम्मे हैं। नहीं तो तुमने बहू को ये जिम्मेदारी सौंपी, और देखिए बहू भी कितनी काबिल है, एक ही झटके में पूरा कर्जा माफ करा दिया तुम्हारा। कर्ज? अग्रवाल साहब कैसा कर्ज? गेंदा ने चुकाया। क्या बकवास कर रहे हैं? हिम्मत कैसी हो ऐसी बातें करने की? या पूजा पाठ का माहौल चल रहा है इसलिए हम भरो ना? भरो ना। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं कैलाश भाई, आप क्या क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी बता देता हूँ। अरे भाई चंदा, ये हमारी श्रीमती जी कहाँ रह गई? ओ चंदा, अग्रवाल साहब का पुश्तैनी गहना? भाई साहब ने ये चंद्रहार तो अपनी बहू को मुंह दिखाई में दिया था। हाँ, पर ये इनके गले में कैसे आया? देखिए, सब लोग देखिए, जो पुश्तैनी हार ससुर ने अपनी बहू को दिया था, बहू ने उसे बेच दिया, कर्जा चुका दिया। जो कर्जा बेटे नहीं चुका पाए वो बहू ने चुका दिया। वाह, क्या बकवास कर रहे हैं ना, ये झूठ है, सरासर झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है ना।
कैलाश। गोपाल नहीं, गोपाल, गोपाल कैलाश। सच सच बताइए, हार तेरे पास कैसे आया? क्योंकि तू जो बोल रहा है वो सच हो ही नहीं सकता। भाई साहब, हमारे घर की इज्जत इस तरह बाजार में नहीं बेच सकते। बोल, यार कैसे आया तेरे पास? जाकर पूछ अपनी बहू से, खुद आई थी हमारे पास हार लेकर बेचने के लिए, अपने ससुर का कर्जा चुकाने के लिए। अरे जरूर इनकी सहमति रही होगी, वरना कोई औरत अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला ले ले, ये मैं मान ही नहीं सकता। नहीं नहीं हरीश भाई, क्या क्या हो रहा है ये? सच में गोपाल मुझे पता नहीं है। तो क्या इतना बड़ा कदम गेंदा ने खुद उठाया? हाँ। ये लोग दुकान को गिरवी रखवाने की बातें कर रहे थे और मैं जानती थी कि पापा जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है ये दुकान पापा जी के पूर्वजों की निशानी है और हार तो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक बार नहीं सोचा तुमने इस परिवार की इज्जत के बारे में? चाचा जी, आपको घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया जब आप झूठ बोलकर अपने भाई की मदद नहीं कर रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा जी कर्जा चुकता नहीं कर पाएंगे तो घर की इज्जत का क्या होगा? लो देख लो, आप सभी देख लो, अब ये हम दोनों भाइयों के बीच में फूट डलवाना चाहती है। वरुण, मनीष, कोई कुछ बोलेगा या यूं ही खड़े खड़े देखते रहोगे? कोई बताएगा इसे कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, घर की इज्जत क्या होती है? ये तुमने ठीक नहीं किया गीता। तो मुझे क्या करना चाहिए था मनीष भैया? वही जो आपने किया, एक बेटे का फर्ज होता है जरूरत के वक्त में अपने पिता के काम आना, और इस वक्त पापा जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप दुकान छोड़ के जाने की बातें करने लगे, मामा जी की कंपनी ज्वाइन करने की बात करने लगे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? एक के बाद एक सब पे कीचड़ उछालती जा रही हो, समाज में सब। किस समाज की बात कर रहे हैं आप मनीष भैया? किस समाज की? इस समाज की जो अपने ही लोगों को शर्मिंदा करने की, उन पे कीचड़ उछालने की साजिश करता है, या फिर इस समाज की जहां एक भाई दूसरे भाई से झूठ तो बोल सकता है पर उसकी मदद नहीं कर सकता, या फिर उस समाज की जहां प्रधान जैसे लोग भोले भाले लोगों की जमा पूंजी लेकर भाग जाते हैं, या फिर इस समाज की जहां किसी जरूरतमंद को देखते ही लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि कहीं ये उधार मांगने ना आ जाए? किस समाज की बात कर रहे हैं आप लोग? मैं पापा जी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। अग्रवाल साहब, आपकी ये बहू क्या बोल रही है? आज तक हमने आपकी बड़ी बहू की तो आवाज तक नहीं सुनी, और ये पूरे समाज पर लांछन लगा रही है, हम पर लांछन लगा रही है। अगर हम लोग इतने ही बुरे हैं तो फिर हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? वो इसलिए कि ये समाज में ये दिखा सके कि इनके परिवार की इज्जत क्या है। भाई, भाई लोगों, आप सब लोग इनके परिवार की इज्जत तो देख ही रहे हैं। ना बेटा बाप की सुनता है, ना बहू की करतूतों का किसी को पता है। अग्रवाल साहब, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो हमें बोल देते, हम थोड़े दिन की मोहलत और दे देते आपको, लेकिन आपको अपनी बहू को घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए था। और आज जो तुमने किया है वो तुम्हारा काम नहीं है, और तुम ऊपर से बहस भी कर रही हो। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, पर हाँ, अगर किसी वजह से पापा जी के बेटों ने उनकी मदद नहीं की तो क्या उनकी बहू उनकी मदद नहीं कर सकती? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ? हाँ, क्योंकि तुम एक बहू हो। तो फिर घर के मुश्किल वक्त में अगर घर की बहू काम नहीं आ सकती तो उसे घर की लक्ष्मी कहा ही क्यों जाता है?
क्यों हम आज ही महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं? क्यों बनाया गया है मुझे लक्ष्मी? क्यों एक लड़की को ये कह के घर लाया जाता है कि आज से तुम हमारे घर की बहू नहीं बेटी हो? अग्रवाल साहब, आपकी बहू तो बहुत मॉडर्न ख्यालों की है और अब तो लगता है कि आपके विचार भी बहुत मॉडर्न हो गए, इसीलिए आप खड़े खड़े चुपचाप ये सब कुछ सुन रहे हैं। लगता है हम लोगों ने आकर यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो भाई चलो। सुनिए सुनिए, सभी लोग सुनिए, रुकिए रुकिए, आप लोग जहां भी हैं वहीं रुकिए, विनती है। ये तुमने क्या किया? क्या किया गेंदा? हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने, हमारे पुरखों के नाम को कलंकित कर दिया तुमने। लेकिन पापा क्या, लेकिन क्या? अब भी कुछ कहना सुनना बाकी है? जलील किया तुमने मरीज को, गोपाल को, दो चार कड़वी बातें मुझे भी सुना दो। नहीं, जलील कर दो सभी के सामने। बिना इस दिन के लिए मैं तुम्हें यहाँ बहू बनाकर लाया था ताकि तुम मेरे परिवार की गरिमा को खत्म कर दो, नहस नहस कर दो। हैसियत से तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। बिन बाप की बेटी हो तुम, उसके बावजूद मैं तुम्हें यहाँ बहू बनाकर लाया। क्यों? क्योंकि तुम में कुछ खूबियां देखी मैंने, लगा मेरी तरह तुम भी मेरे परिवार को एकजुट रखोगी, परिवार की गरिमा को एकदम कायम रखोगी, सब कुछ दांव पर लगा दोगी, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा को संभाल कर रखोगी। लेकिन ना ना बेटा, ना 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 ना, उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी तो भरोसा तोड़ दिया गेंदा तुमने। जब मैं इस घर में आई थी मुझे लगा मेरे महाराज जी की सीखों को माना जाता है यहाँ, के बताए हुए रास्तों पे चला जाता है। लक्ष्मी चंचला है, व्यापार परिवार को साथ लेकर करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है और सब लोग एक समान हैं। गलत, ये गलत सोच है तुम्हारी। अगर ये सोचकर यहाँ आई हो तो गलत है गेंदा। इन सिद्धांतों पर समाज नहीं चलता, इन सिद्धांतों पर दुनिया नहीं चलती है। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें बताते कि दुनियादारी क्या है, समाज कैसे चलता है। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि समाज कैसे चलता है, दुनियादारी कैसे चलती है। पैसा पैसा, रुपया, लक्ष्मी, ये जब भी आती है इसे बांध कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। संसार का मानना है, पैसा है तो व्यापार है, व्यापार है तो परिवार है। और बराबर, किस बराबरी की बात कर रही थी तुम? कौन सी बराबरी? बेटा और बहू कभी बराबर नहीं हो सकते। ना ना बेटा, ना ना, अभी तुम जो भी बोली, ये बच्चा शिवम ये बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि तुम बहू हो। ये अंतर जानो। हैं? परिवर्तन संसार का नियम है। ना ना, सदियों पहले नियम बने हैं, उसूल बने हैं, रिवाज बने हैं, समाज में वो चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, इसे कोई बदल नहीं सकता। ये तुम्हारी जो सीख है ना, इससे मंदिर चल सकता है, दुनिया नहीं, समाज नहीं। इस घर के, इस संसार के, इस समाज के नियम तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। समाज या ये घर, ये परिवार तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। तुमने गलती की है और तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। अम्मी जी, क्या आपको भी यही लगता है कि महाराज जी की सीखों को मानकर उनके बताए रास्ते पे चल के मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी गलती है? मुझे वही लगता है जो मेरे पति को लगता है। क्या आप सबको भी यही लगता है
कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई है। हाँ, तुमने गलती की है। माफी तो मांगनी होगी तुम्हें, माफी मांगनी होगी तुम्हें, माफी तो मांगनी होगी। हमारे समाज का अपमान किया है और पूरे समाज से। गेंदा, बस बस गेंदा, अभी तक मैं सर झुकाए चुपचाप खड़ा था, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई साहब नहीं बोलेंगे, पर भाई साहब बोले। जानती हो क्यों? क्योंकि भाई साहब सही और गलत का फर्क जानते हैं, और वो किसी को भी इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तुम्हें सबसे माफी मांगनी होगी। वरुण, आप तो कुछ भूली, क्या आप भी मुझे गलत समझ रहे? क्या आप भी सबकी तरह चुप रहेंगे? प्लीज कुछ बोलिए। मैं बोलूंगा। से बहुत बड़ी भूल हो गई पापा, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, केंद्र से गलती हुई है, लेकिन उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। अरे, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा वरुण, माफी गेंदा को मांगनी पड़ेगी, वरना हम सब लोग तुम्हारे परिवार को इस समाज से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। सुनिए भाई साहब, सुनिए, मैं अपनी बहू की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं, क्षमा। केंदा की तरफ से मैं भी आप सभी से माफी मांगता हूं। मैं भी। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है कुंदन, मगर आज इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी तो कल समाज की दूसरी औरतें भी इसके लक्ष्य कदम पे चलेंगी, तभी समाज का क्या होगा? माफी गेंदा ही मांगेगी। मैं आज तक महाराज जी की सीखों को मानती आई हूं, उनके बताए रास्तों पर चलती आई हूं, लेकिन अगर वो सब झूठ है, अगर वो गलत है, तो मैं गलत हूं, और इसीलिए आप सभी से मैं माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरे माफी मांगने से मेरे परिवार की सुख शांति और इज्जत वापस आती है, आप सबसे माफी मांगूंगी। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे परिवार पर कोई भी आ जाए। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। Thank you.
आपको समझने में मुझसे भूल हुई है। I'm sorry.